अनंतराज से हमारे साथ है। जो गवर्नमेंट की तरफ से तो उस तरह कोई बयान नहीं आया जो माकूल बयान हो, मगर जो शोशे चल रहे हैं उसके खिलाफ, जो हमारी अस्थि का हक जो है मुसलमानों को बहुत ही मेहनत करने के बाद मिला था, सुना है कि उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसके लिए चलो की कार जो है दी हुई है हमारी गुजर बकरवाल कौम ने, उसके वहाँ हम कुंट में जा रहे हैं, जो पीसफुल हम एहतजाज करना चाहते हैं वहाँ पे। और जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आ रहे हैं 4 तारीख को रजौरी, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने जो जब हमें अस्थि से स्टेटस मिला था गुजर बकरवालों को और बीजेपी ने हमारी उस टाइम भी बहुत मदद की थी, वो बात आप ना बोले। आज भी हमें पूरा यकीन है कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी और हम ये पूरा अमन एहतजाज जो हम अब रजिस्टर कराने के लिए पहुँच जा रहे हैं। तो लोगों से मैं पूरी अपील करूँगा कि बहुत ही मोहतबाना तरीके से जो भी बात आप करें, अपनी कौम के हक के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, आप खुल के सामने आए, अपने हक के लिए लड़ें और वो डेमोक्रेटिक तरीके से, ना कि किसी का दिल दुखाएं, ना कि ऐसी बयानबाजी करें जिससे हमारे जो हमारा भाईचारा है जो सदियों से रहा पीर पंजाल के अंदर, कुछ लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं अपने सियासी मफाद के लिए, ऐसा सुधारा ना करें। आप अपने हक के लिए, जो हमारे पहाड़ी भाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको नहीं कहते, उनका भी हक है, वो आप बात करें, मगर किसी बुनियाद पे बात करें, किसी लॉजिक पे बात करें। हम ये कह रहे हैं कि हमें अभी जाके जब ये अस्थि का हमें कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, हमारे लोग आज भी बहुत पिछड़े लोग हैं, आज भी लोगों की हमारी खस्ता हालत है कि हमारे साथ नाइंसाफी ना की जाए, हमारे जो नौजवान नस्ल है इसको तबाह ना किया जाए। अभी हमें जाके थोड़ा थोड़ा हमारे लड़कों के अंदर पढ़ाई और शऊर पैदा हो रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के बारे में सोच रहे हैं और ये एक साजिश के तहत गुजर बकरवालों को दबाया जा रहा है। गुजर बकरवाल कौम कभी ना बिकी है ना बिकेगी और ये हमेशा से एक जगह खड़ी रही है और हिंदुस्तान का साथ दिया है, आगे भी हिंदुस्तान का साथ देती रहेगी। हिंदुस्तान जिंदा साथ, हमारे साथ कोई जानबूझ के या किसी साजिश के तहत कोई खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम बहुत ही साबर कौम हैं, हम सब्र करना भी जानते हैं और हमें कोई उकसाने की कोशिश करे, हम कोई इतने कमजोर नहीं है, मगर यह है हम सब्र कर रहे हैं और हमारी कौम का यही सबसे बड़ा बुलंद एजेंडा, हम सब्र में रहे हैं और हमारी अस्थि के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, गुजारिश है हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से। पहले के दिल्ली के महलों का कुरान का गूंज नहीं चाहिए।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਨਲ ਜਿੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਹਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਰਾਓ ਮਾਰੋ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो।